अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू प्याज पत्ता पराठा। उसके लिए आलू उबाल करके मैश कर ली हूँ मैं। अच्छे से मैश होने चाहिए आलू। प्याज पत्ता यहाँ बारीक कटा हुआ, 250 ग्राम आटा ली हूँ। उसके लिए भी चाहिए अजवाइन, नमक, मिर्ची पाउडर, तेल, दही, हरा मिर्च बारीक कटा हुआ, धनिया पत्ता। अब आटा में मैं आलू मिलाऊंगी। इसको डाल के अच्छे से मिक्स करना है, आटे में ही आलू मिक्स करना है। अब उसमें प्याज पत्ता डालूंगी। दो चम्मच मिर्ची पाउडर डालूंगी, 2 चम्मच हरी मिर्च डालूंगी, 2 चम्मच दही, या मैं 1/2 कप दही ली हूँ। धनिया पत्ता, स्वाद अनुसार नमक और अजवाइन। अजवाइन को अच्छे से मसल के डालिए। सबको अच्छे से मिला के सान लूंगी मैं। इसमें मैं पानी यूज नहीं कर रही हूँ। आपको लगे पानी की जरूरत तो आप डाल सकती हैं। इसमें हल्का सुसुम पानी डालें आप इसमें। अब अच्छे से तैयार है आटा पराठे के लिए। अब आटा को लोई बना लें आप। सूखा आटा लगाऊंगी मैं। अच्छे से गोल करके इसको बेलूंगी। इसको अच्छे से बेल लीजिए। तवा हीट हो चुकी है। अब उसमें मैं डालूंगी पराठा। अब इसे पलट लूंगी मैं। अब इसमें तेल डालूंगी। इसको अच्छे से मिला लीजिए, फैला लीजिए तेल को। अब इसको पलटूंगी मैं। यहाँ पे रिफाइंड तेल यूज कर रही हूँ, आप घी में भी बना सकती हैं। ऊपर से भी तेल डालूंगी। देखिए पराठा कितने अच्छे कलर की बनी है। तैयार है पराठा। इसे प्लेट में निकालूंगी। इसी तरह से शाही पराठा बना लें आप। तैयार है। अब इसे आप दही के साथ या सॉस के साथ खा सकती हैं।
आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी ज़रूर बजाएं ताकि मेरी रेसिपी आपके पास जल्द पहुंचे।